इश्क जैसा कुछ। भाई साहब यहाँ पर जो के फाइनली यावर फाइटर मूवी का सॉन्ग आ चुका है इश्क जैसा कुछ, एक घंटे के अंदर मतलब के 5 लाख से भी ज्यादा व्यूज, मतलब के भाई साहब समझ रहे हो क्या एक्साइटमेंट लेवल रह रहा है इतने बड़े सलार और डंकी के क्रेज के बीच में यहाँ पर इश्क जैसा कुछ सॉन्ग आया है। और भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिला है। उसी के साथ यहाँ पर जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं वो यहाँ पर दिल से प्यार बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो कि भाई साहब ये जो सॉन्ग आया है इश्क जैसा कुछ, इसके ऊपर इतने अच्छे व्यूज़ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ इस सॉन्ग के अंदर जो है वो हमको दीपिका और ऋतिक की जो डांस की स्टेप दिखाई दी है वो मतलब कि भाई साहब एंड लेवल जो कि यहाँ पर स्टेप। अब यहाँ पर ऋतिक रोशन और डांस करें और भाई साहब सॉन्ग वायरल ना हो ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है वो ये जो सॉन्ग है यहाँ पर 110% हिट वीडियोज के कैटेगरी के अंदर जाता हुआ देखने को मिल चुका है यूट्यूब के ऊपर। उसी के साथ यहाँ पर इस सॉन्ग की जो हाइप है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही, इतनी घमासान युद्ध जो चल रहा है बॉलीवुड वर्सेस साउथ के अंदर उसके बीच। अब दोस्तों इस मूवी की जो हाइप है वो हमको ऋतिक रोशन की बर्थडे के बाद जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ यहाँ पर ये जो सॉन्ग आया है भाई साहब नेक्स्ट लेवल डांस, नेक्स्ट लेवल यहाँ पर जो कि रोमांस भी देखने को मिला है, हर एक चीज़ जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्यारे नमूने से की गई है। तो कहीं ना कहीं इस जो सॉन्ग की हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसी के साथ जो फाइटर मूवी की हाइप है वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो सॉन्ग आते हुए दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि भाई साहब इसके अंदर जो है यहाँ पर फाइटर मूवी के अंदर हमको दीपिका और जो ऋतिक रोशन की लव स्टोरी होने वाली वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक अंदाज अंदर होने वाली है। तो आप यहां पर अंदाजा लगा लें, आप ये कंफर्म कर लें कि भाई साहब इस मूवी के अंदर रोमांटिक सीन होने वाले हैं। देन यहां पर इस मूवी के अंदर जो कि हमको काफी बड़ी देशभक्ति का मैसेज मिलने वाला है, मतलब कि दोस्तों ये जो मूवी है ये यहां पर जो कि एक खुद के अंदर छोटी सी जिंदगी बताई जाने वाली है। तो आप देखते हैं क्या सीन होते हैं, कैसे जो कि हमारे फाइटर जो कि देश को बचाते हैं क्या सीन होते हैं, ये सब कुछ जो कि हमको इस मूवी के थ्रू पता चलेगा। और मूवी जो कि सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं, तो भाई साहब आपको पता है पठान के अंदर जो है सिद्धार्थ आनंद ने कितनी आतंक मचाई थी, अब जो कि यहाँ पर ये आ रही है फाइटर मूवी, अब देखते हैं क्या सीनरी होते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है फाइटर के बारे में ये जो कि मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। ये छोटी सी वीडियो थी फाइटर के बारे में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा राधे राधे।